उसी में तो करंट नहीं है जहाँ से लगाए पूछे राजेश से हो सकता है थोड़ा भाई बुरा किसी उपाय कर देना जो ना बुरी हाँ बुरा देखा बुरा उधर जाइए उधर देखो Thank you.
चलो 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 दौड़ के सत्संग का समय हो गया। सब लोग सामने आके बैठो, एक एक वचन वाणी को बड़ी सावधानी के साथ सुनो। जब आप सामने आके बैठोगे तब तुम्हारी समझ में आएगा कि सत्संग किसे कहते हैं। सत्संग कोई कथा वार्ता का नाम नहीं है, सत्संग कोई भाषण की प्रचार का काम नहीं है, सत्संग कोई मनोरंजन नहीं है। यह संत महापुरुषों की वचन वाणी जो हम सब जीवों की बहुत पार कहानी है। यह जीवात्माएं भाषागर के पार कैसे जाएंगी, अपने मालिक प्रीतम का कैसे दर्शन दीदार करेंगी। प्रेमियों इस युक्ति का नाम है सत्य संग। सत्य माने ईश्वर, संग माने साक्षात्कार। यह जीवात्मा सुरत मुद्दतों से अपने मालिक प्रीतम का दर्शन दीदार छोड़ चुकी है। इसे कौन ले जाएगा, कौन पहुंचाएगा, कौन मिलाएगा? उस मिलाने वाले को कहते हैं संत सतगुरु, और मिलाने वाली युक्ति का नाम है सत्य संग। ये दोनों चीजें आपको समय से मिली, लेकिन आपने उसकी कदर नहीं किया। किसी पुण्य कर्म के कारण संत महापुरुषों के दर पे तो आप पहुंच गए, लेकिन आपने उनकी कदर नहीं की, उनको जाना माना पहचाना नहीं। सब धोखा, और ये इतना बड़ा धोखा है जिसकी पूर्ति रुपए पैसे धन दौलत सामान से आप नहीं कर सकते। क्योंकि सतगुरु दयाल की दया ये रुपए पैसे से मोल नहीं मिलती है, और न ही ये किराए पर चलती है। जब जैसी उनकी मौज मर्जी हम सब कलयुग के जीवों पर हो जाती है तो अपनी दया की बरसात कर देते हैं। अब ये उनकी दया की बरसात में कितने टिक पाते, कितने छोड़ के भर जाते हैं, इसी को कहते हैं छटनी और कटनी। बहुत पहले एक इशारा किया गया था कि बच्चा जब मेरी संगत बढ़ेगी, जैसे नदी में बाढ़ आती है ऐसे मेरी संगत बढ़ेगी तो बच्चा छटनी होगी और कटनी होगी। इस पर भी जो लोग नहीं मान पाए तो कुदरत छटनी भी करेगी। ये भी कहा था जब मेरी संगत बढ़ेगी मैं एक छोटी सी परीक्षा लूंगा, मैं देखूंगा कौन मेरा आशिक है, कौन मेरी गति संपत्ति धन दौलत जमीन जायदाद आश्रम मान सम्मान का आशिक है, कौन मेरा चेला है, कौन मेरे चेलों का चेला है, कौन गुरुमुख है, कौन मनमुख है, कौन सत्संगी है, कौन संसारी है, कौन भजनानंदी है, कौन विषयानंदी है। कहा था बच्चा इतने टेस्ट लूंगा, आज हमारे आपको सबसे टेस्ट हो रहे।
जरा अपने आप में घूम के देखिए कि गुरु के प्रति तुम्हारे में आस्था, गुरु के प्रति तुम्हारे में विश्वास कितना है, गुरु से प्रेम कितना है, गुरु से आसक्ति लगाव कितनी है, गुरु में श्रद्धा सेवा भाव कितना है और गुरु के बच्चों पर आपने कुर्बानी कितनी दी है। यह है परीक्षा का अनोखा तरीका जो इस सृष्टि में अनोखे महापुरुष ने अपने भक्तों की अपने प्रेमियों की परीक्षा का रखा। लेकिन तुम्हारे पास गुरु का कोई वचन नहीं है, सत्संग वचनों को संभाल के रखा नहीं, इसीलिए तुम सब संकट संदेह बोल बनने चले गए। और ये इतनी बड़ी भूल है जिसकी पूर्ति आप कहीं नहीं कर सकते। प्रेमियों, इस भूमंडल पर, इस हिंदुस्तान की धर्म भूमि पर कभी इस तरह का महापुरुष आया ही नहीं है जिसने ऐसी आवाज लगाई हो। न सतयुग त्रेता द्वापर में किसी ऋषि मुनि योगी महर्षियों ने अवतारी शक्तियों ने आवाज लगाई, और कलयुग में कबीर साहब से लेकर हजारों संत महापुरुष आए, उन्होंने भी परिवर्तन की ऐसी आवाज नहीं लगाई जैसे बाबा देवपुत्र के महाराज। आपने उनको अपना गुरु भी बनाया लेकिन ये भी नहीं पहचान पाए कि गुरु किस काम के लिए आता है और कौन सा काम करके जाता है। जो काम करके जाएगा उसी का इतिहास बनेगा, उसी की लोग महिमा गौरव गरिमा कहेंगे, उसी की पूजा होती है। जो काम नहीं करता उसकी कोई पूजा नहीं। काम का नाम और नाम का इतिहास होता है। यह सब जानकारी आपको रखनी चाहिए थी। बाबा जयपुरदेव जी महाराज ने जो हम सब कलयुग के जीवों पर दया कृपा मेहरबानी की है वो किसी ने नहीं किया है। इतनी जानकारी, इतना प्रचार इस धरती पर किसी ने कराया ही नहीं है। बाबा जयपुरदेव जी महाराज ने हिंदुस्तान का कोई प्रांत, जिला, तहसील, ब्लॉक, शहर, कस्बा, गली, बाग कुछ छोड़ा नहीं है। जहां पर काम की, अपने जगाए नाम की, जीवात्मों को निर्धाम पहुंचाने की जानकारी न थी। जब तीनों बच्चे आपको मिल गए, मैं किस धाम से आया हूं, कौन सा नाम लेके आया हूं, कौन सा काम करने आया हूं, फिर आपको शंका किस बात की। अभी न काम हुआ है न जीवात्मा धाम पहुंची और तुमने महापुरुष के जाने की शुरुआत कर दी, फिर ये काम करेगा कौन? क्या सृष्टि में कोई इंसानी शक्ल ऐसी है जो तुम्हारी जीवात्मा को जगा दे, परमात्मा से मिला दे और जीवात्मा को निर्धाम निचलो घर पहुंचा दे और पाप कर्मों में माफी दिला दे? ऐसी कोई इंसानी शक्ल है? फिर आपने भूल कैसे कर दिया? इसका मतलब आपने अपने सतगुरु दयाल को जाना माना पहचाना नहीं है, तभी धोखा होगा। बाबा जी को इसीलिए जानकारी देनी थी क्योंकि ऐसी अनोखी विलक्षण अद्वितीय शक्ति परिवर्तन के लिए धरती पर आई ही नहीं है। पहली पहचान तो यह है, आज तक जब से सृष्टि बनी है इस धरती पर प्रभु नाम का प्रचार किसी ने कराया ही नहीं। सतयुग में हरि नाम, त्रेता में राम नाम, द्वापर में कृष्ण नाम, ये है काल शक्तियों की नाम जो बीच के लोगों से आती है। इस धरती पर धर्म की स्थापना के लिए, दुष्टों के संहार के लिए आती है। लेकिन अनामी महाप्रभु ये पहली बार शक्ति में आया हुआ है, जो अनामी धाम से आया और अनामी प्रभु नाम लेकर के आया और प्रभु नाम का प्रचार कराया। गोस्वामी जी महाराज ने रामचरितमानस के उत्तर कांड में प्रमाण दिया है, एक अनी अनामा अज सच्चिदानंद प्रभु धामा। वो एक ही अनामी धाम है, एक ही अनामी महापुरुष है,
जब वो नामी महापुरुष इस मृत्युलोक मंडल पर प्रभु नाम लेकर के आएगा, प्रभु नाम का प्रचार कराएगा, प्रभु नाम से जीवात्मों को जोड़ेगा और अपने प्रभु नाम जहाज पर बैठा कर जब इनको प्रभु धाम पहुंचाएगा तब आवागमन खत्म होता। इसके पहले आवागमन नहीं छूटता क्योंकि सतलोक से संत आदि जाते रहते, सतलोक तक आवागमन है। लेकिन अनामी धाम से जो अनामी महाप्रभु प्रभु नाम लेकर के आएगा और प्रभु नाम का बेड़ा भवसागर में लगाएगा और जीवात्मों को प्रभु नाम पर बैठा कर भवसागर से पार करेगा, उनको उनके घर पहुंचाएगा, का ऐसा समृद्ध मालिक भूते न भविष्यति। और आपने कुछ नहीं समझा, तुम इंसानी शक्ल समझते रहे, तुम बाबा बाबा समझते रहे, तुमने न ये समझा कि ये परिवर्तनकारी शक्ति है, ये विलक्षण महापुरुष है जो जीवात्मों को भवसागर से पार करने के लिए अपने जगाए नाम यहाँ पर बैठा कर इनको इनके घर पहुंचाने का वादा किया है। प्रेमियों बड़े ध्यान से सुनिए, बाबा जी को पुनः परिचय देना पड़ा। क्या कहा उन्होंने, कहा मैं परिवर्तन करने आया हूँ, परिवर्तन करके ही जाऊंगा। माई कॉल हमें इस परिवर्तन से न रोक सकता है, न मेरा काम कोई कर सकता है। ये दोनों चैलेंज है, परिवर्तन का काम मेरा कोई कर भी नहीं सकता और हमको इस अद्वितीय परिवर्तन से कोई रोक भी नहीं सकता। दूसरी जानकारी क्या दी, कहा मैं कलयुग का इतिहास बनाने आया हूँ। सत्युग त्रेता द्वापर के इतिहास बन गए, वही आपको सुनाए पढ़ाए जा रहे हैं। जो समय निकल जाता है उस समय का लाभ नहीं मिलता, गुजरा हुआ जमाना आता नहीं दोबारा। जो समय निकल जाता है केवल इतिहास एक जानकारी छोड़ जाता है, लेकिन कलयुग का इतिहास तो नहीं बना। सतयुग त्रेता द्वापर के इतिहास बने, लेकिन कलयुग के जीवों के लिए कलयुग का इतिहास बनाने जो विलक्षण महापुरुष आया उसने अपना परिचय दिया कि मैं कलयुग का इतिहास बनाने आया हूँ। ऐसा इतिहास बनाऊंगा जो भूते न भविष्यते। सतयुग त्रेता द्वापर के लोग अपने अपने युग का इतिहास पढ़ना भूल जाएंगे। मैं ऐसा चमत्कार करके दिखाऊंगा जिसको हिंदुस्तानी नहीं सारा विश्व नमस्कार। जिस विलक्षण महापुरुष की भूमिका व्यवस्था के आगे एक दिन सारा विश्व नतमस्तक हो जाएगा। ये इंसान है कि भगवान का भगवान है, लेकिन तुम्हारी समझ में कुछ नहीं आया क्योंकि आपने गुरु वचनों को संभाल के नहीं रखा, उनके सत्संग वचनों को संभाल के नहीं रखा आपने। जबकि बाबा जी ने क्या कहा था, आगे बड़ा खराब समय आ रहा, तमाम कलयुगी लोग स्वार्थी लोभी लालची बानी अभिमानी गुमानी निकल पड़ेंगे, कोई अपने नाम के आगे संत लिखने लगेगा, कोई सतगुरु लिखने लगेगा, कोई भगवान लिखने लगेगा, कोई सरकार लिखने लगेगा, कोई महाराज लिखने लगेगा। कहा था बच्चा इस लिखावट और बनावट सजावट में मत आना। कहा ऐसा खराब समय आ रहा है, तो उन्होंने क्या कहा था, क्या परिचय आपको दिया था, कहा मेरे सत्संग बच्चों को बहुत संभाल के रखना। जैसे लोग रुपए सोने चांदी हीरे जवाहरात को गांठ में बांध के रखे, अगर मेरे सत्संग बच्चों को कहीं तुमने भुला दिया मेरी जुआ दया के भंडार से तुम करोड़ों को पीछे चल जाओगे। और आपने वही गलती आपने किया,
गुरु वचनों को भुला दिया है। अब तुम डर की ठोकरे अभी क्या, जो आगे मुसीबत का पहाड़ टूटने जा रहा है, जिससे बचाने के लिए सतगुरु दयाल ने आपको सर्वप्रथम नामदान दिया और कहा कि घर गृहस्थी परिवार में रहना, खेती दुकान दफ्तर बिजली व्यापार मजदूरी का काम सच्चाई ईमानदारी मेहनत के साथ करना। जब तुम्हारे पास संसार शरीर परिवार का कोई काम ना हो तो सोने के पहले और भोजन के पहले इसी मनुष्य मंदिर में एक घंटा परमात्मा का सच्चा भजन आत्मा से करना। यह है सच्चा काम जो मानव जीवन का असली काम है। आपने वो भी नहीं किया, न नाम की कमाई की न बचनों की जानकारी रखी, तो धोखा तो ही जाएगा आपको। आप देखिए बाबा जी ने यह भी कहा, मैं कलयुग को भगाऊंगा, सतयुग को लाऊंगा, सात पौड़ियां सुरक्षा रोजी रोटी की व्यवस्था बना के दूंगा। जो हिंदुस्तान की 70 साल की आजादी में नेताओं ने आपको नहीं दिया, उसका वादा है मेरी पा मेरे पास ऐसी योजना फूंक का व्यवस्था है, सारे विश्व को नया सुरक्षा रोजी रोटी की व्यवस्था दिलाऊंगा, जो भारत की नहीं पूरे विश्व के लिए। इसीलिए आपने प्रचार किया था और भूल गए, तुम्हीं ने प्रचार किया है, भारत की जनता को बताया है, विश्व को सुख शांति इसी नाम से मिलेगी और विश्व को सच्ची सुख शांति इन्हीं के द्वारा मिलेगी। अब इन्हीं को कहते मर के चले गए तो विश्व को सुख शांति कौन देगा, ये प्रश्न कौन हल करेगा, ये विश्व की समस्त समस्याओं का समाधान कौन करेगा, क्या ऐसा कोई धरती पर इंसानी से कर है? यह है जानकारी। इसी जानकारी का दूसरा नाम है सत्य संग, सत्य का संग। जिस दिन सत्य का संग कर लोगे ये झूठ छत बड़ बीमारी समाप्त हो जाएगी, ये चोरी डकैती कर बरात का खत्म हो जाएगा, महंगाई गरीबी बेरोजगारी टैक्सों की भरमार ये सब खत्म हो जाएगी। इस राम की धार्मिक धरा और कृष्ण की कर्म भूमि पर से ये मां का हिंसा और कतरे राम ये सब समाप्त हो जाएगा और गंगा खानपान की बिक्री बंद हो जाएगी। लेकिन कब, जब संत राज हुई है भारत मां, अब बचाए बची है ना बाबा जय गुरुदेव की वाणी, तब दिखाई पड़ी है। ये जो सुनाया जा रहा है 10 जुलाई 1952 से 2012 तक जो आपको सुनाया समझाया और दिखाया और कराया, वो सब तुम्हारे सामने एक दिन ला के खा कर दिया जाएगा। ऐसा वादा है छोटा मोटा नहीं। कहा मैं कलयुग को भगाने आया हूँ और सतयुग को लाने आया, न कलयुग भगा न सतयुग आया और कैसे भगाने वाला चला गया। तो बताए कोई ऐसा है जिस सतगुरु दयाल को छोड़कर जो जिनके पास गए हो उनमें से कोई उसे पूछो क्या तुम कलयुग को भगा सकते हो, सतयुग को ला सकते हो, सबको नया सुरक्षा रोजी रोटी की व्यवस्था बना के दे सकते हो, महंगाई गरीबी बेरोजगारी को तुम हटा सकते हो और टैक्सों की भरमार को खत्म कर सकते हो। आपको 2 मिनट में सच्चाई का रंग देता, लेकिन जब गुरु के वचन तुम्हें खुद ही नहीं मालूम, सत्संग बच्चों को संभाल के रखा नहीं, तो आप प्रश्न ही क्या करोगे। इसलिए बाबा जी को सब कहले कहना पड़ा, अपना बच्चे देना पड़ा। मैं भारत भूमि पर किस काम के लिए आया हूँ पूरी जानकारी। जब आपको नामदान दिया तब भी आपसे वादा किया कि बच्चा मैं अजर अमर देश से आया हूँ, जब तक इन जीवात्माओं को अजर अमर देश नहीं पहुंचा लूंगा मैं चैन से बैठने वाला नहीं हूँ, जब तक मेरा एक भी जीव यहाँ रहेगा मैं बराबर मौजूद रहूंगा, जब मेरे जगह सारे जीव चले जाएंगे मैं पीछे से आ जाऊंगा। तो क्या तुम्हारी जीवात्मा जाते परमात्मा से मिल गई, घर पहुंच गए तो कहते हो बाबा जी चले गए। जो आपने ये गलती की है ये जुर्म है, ये सबसे बड़ा गुनाह है,
मौत अंतिम सजा आपने गुरु को भी दे दी, मौत की सजा। गुरु ने तुमको नामदान दिया तुम्हारी जीवात्मा के उद्धार कल्याण के लिए, और गुरु ने तुम्हारी बीमारी महामारी कष्ट पारिवारिक सब खत्म किया, और तुमने गुरु को क्या दिया, मौत का कल। यही तुम्हारे पास अभी के लिए बाकी था, क्या इसकी सजा इसकी माफी कहीं हो सकेगी? आपको विचार करना चाहिए। मैं केवल अभी इशारा कर रहा हूं, जानता तो सब हूं लेकिन बताऊंगा नहीं, उतना बताऊंगा जितना मुझे आदेश हो रहा। मुझे जो हुक्म हुआ है कि जल्दी से एक बार इन बच्चों को फिर से बुला दो, फिर से प्रेमियों के कान तक पहुंचा दीजिए, क्योंकि कोई 3 वर्ष का नामदारी, कोई 5-10-15 वर्ष का नामदारी है। यही बेचारे भोले भाले सीधे साधे जीवों को इन स्वार्थी लोभी राज्यों ने अपने स्वार्थ लोभ लालच के लिए इनको सत्य रास्ते से हटा दिया, गुरु की चरण और शरण से अलग कर दिया, और गुरु से मिलने वाली मिलने वाला परमार्थी लाभ वो देह से भी वंचित कर दिया है। जल्दी से इनके कंत दबा, मैं गुरु के आदेश का पालन करता हूं, आप भी पालन करिए। आपको उतना आदेश है सब, अगर ये सब काम करने में आप लग जाओ, तुम्हारे पास समय ही नहीं है कि किसी की निंदा आलोचना बनाई। प्रेमियो, ना मैं अपनी कोई बात सुनाने आया हूँ, ना आपसे मनवाने आया हूँ, ना कोई चंदा भी सेवा लेने आया हूँ, ना किसी की निंदा आलोचना बुरा चले आया हूँ। ये मेरा काम, बड़े हिसाब से तो लोग सुन लीजिए, ये मेरा काम नहीं है, और आपको भी जानकारी भी जा रही है। इसे 9 वर्ष की सब मंगलमय कामनाओं के साथ समूची संगत को मेरा हार्दिक जय हो। आप सबको ऐसे नए साल की सुमूर्त घड़ी में अच्छे काम करने का और बुरे काम छोड़ने का संकल्प लेना चाहिए। तब तो नए वर्ष का मतलब हुआ, जो गलती हो गई उसको भूल जाइए आप, आगे कोई ऐसी गलती ना हो, कोई ऐसा गुना पाप न हो जिससे गुरु पर कोई दोष कोई कलंक लगे, इससे बड़ी सजा और कोई नहीं है। आपको हमेशा ध्यान में रखना चाहिए था। आज इस 9 वर्ष के शुभ अवसर पर ये 5 दिवसीय आध्यात्मिक सत्संग समारोह जन जागरण कलयुग 11 से जुड़ा यह अभियान रखा गया। वैसे तो ये 6 वर्ष से सारे हिंदुस्तान में लगातार 28 मई 2012 से, और ये लीला हुई है 18 मई 2012, और ठीक 10 दिन बाद मैंने अभियान छेड़ दिया पूरे हिंदुस्तान में 28 मई 2012 से लगातार पूरे हिंदुस्तान में घूम घूम कर प्रेमियों के कान तक गुरु के बच्चों की आवाज पहुंचाई। और मेरा काम कोई नहीं, केवल उनके बच्चों की आवाज पहुंच जाए और ये सब खड़े हो जाएंगे। देखते जाइए आप सब खड़े हो जाएंगे, सुमरन ध्यान भजन में लग जाएंगे, परमात्मा सेवा में भी लग जाएंगे, और इनको सब सच्चाई का बोध हो जाएगा, सारी जानकारी सबको हो जाएगी। आप चिंता मत करिए, केवल बच्चों को सुन लीजिए, तुम्हारी सारी शंकाओं का समाधान हो जाएगा। आज ये पहला दिन है, रवि प्रेमी भारी संख्या में आ रहे हैं, तो आज मैं केवल आपको जो तुम्हारे सिर पर एक भूत चढ़ गया, भूत शंका का, जो शंका का भूत चढ़ गया गुरु के प्रति, गुरु के बच्चों के प्रति, आज शंका का भूत उतारूंगा, अब कल से निर्मल चेतन सत्संग प्रारंभ करूंगा, आज केवल भूत उतारूंगा। सुन लीजिए तो अच्छी बात है, पीछे कुदरत खड़ी है वो सबको मनाना जानती, लेकिन आप कोई हिंदुस्तान का प्रेमी ये नहीं कह सकता हमारे पास गुरु के वचन नहीं थे,
हमको किसी ने बताया नहीं था, इशारा किसी ने किया नहीं था, मैं किसी को कहने नहीं दूंगा। मैंने घूम घूम कर कोई अखबार रेडियो का, कोई इंटरनेट का और कोई पत्रकार और मीडिया का मैंने कोई सहयोग नहीं किया और हमको इनकी जरूरत ही नहीं। हम खुली अखबार है, सारे हिंदुस्तान में घर घर प्रेमियों के दरवाजे दरवाजे जाकर गुरु बच्चों की आवाज लगा दूंगा। हमको इनकी जरूरत ही नहीं, इनका सहारा वो ले जिसको काम करना ना आता हो, जिसमें काम करने की हिम्मत ना हो और जिसको अपने गुरु और ईश्वर पर विश्वास ना हो, वो एक कागज का सहारा लेता है। हमको इनकी जरूरत नहीं है, वैसे आते हैं। मैं प्रेम श्रद्धा भाव से कहता हूँ, आप भंडारे में प्रसाद पाइए और सत्संग सुनिए और घर जाइए। हमको तुम्हारी कर्म से अधिका मत की जरूरत है, ये कागज का विषय ही नहीं है, ये कागज का विषय नहीं है, ये भक्तों का विषय है। क्या रामकृष्ण का प्रचार अखबार रेडियो ने किया था, ये भी विचार कीजिए आप सब भक्तों के द्वारा। लेकिन जब भक्त बन जाएंगे आप, भक्त का अगर भक्त होते, भक्त का मतलब जो अपने भाव विचारों की सारी शक्ति अपने गुरु के प्रति अर्पण कर देता है, अपना तन मन गुरु को दे देता, उसको भक्त कहते हैं। तुम भक्त का तुम तो शिष्य थे, सुना था केवल कि गुरु करेंगे गुरु करेंगे, लेकिन किया नहीं था। जैसे जिस दिन अपनी लड़की का हाथ किसी हाथ में पकड़ा देते और वो पति स्वीकार कर लेती है, उस दिन से वो किसी की तरफ नहीं देखती। ऐसे अगर आपने गुरु का को अपना हाथ पकड़ाया होता तो आज तुम किसी की शरण में नहीं जाते, किसी की भी बात को नहीं सुनते, किसी के तरफ नहीं देखते, क्योंकि तुम्हारा परमार्थी कार्य इस सृष्टि में कोई इंसानी शक्ल नहीं कर सकती। तुम्हारे पाप कर्मों में माफी या कोई नहीं दिला सकता, जबकि यहाँ का इतिहास है जिनको भगवान कहते। त्रेता के राम द्वापर के कृष्ण, भगवान राम ने भी किसी के पाप को माफ नहीं किया। उनका इतिहास बताता है भगवान राम ने अपने पिता दशरथ को नहीं माफ किया। अपराध क्या था, धोखे में श्रवण कुमार की हत्या हुई थी, एक हत्या धोखे में, जिसको भगवान राम ने माफ नहीं किया। तुम्हारा कोई ऐसा रिश्ता है भगवान से, उन्होंने अपने पिता को नहीं माफ किया। लोगों ने कहा अरे आपके पिताजी माफ कर दीजिए, धोखे में अपराध हो गया। भगवान राम ने कहा नहीं, मैंने कर्मों का विधान बनाया है, मैं अपने विधान संविधान सिद्धांत में कभी समझौता नहीं करता हूं। उन्होंने एक हत्या धोखे से, तुमने अपने जीवन में कितनी हिंसाएं हत्याएं की, कितने मुर्गे मारे, कितने बकरे काटे, कितनी मछली मारी, कितने अंडे फोड़े, कितने गर्भपात करके मासूम बच्चों की हत्या किए बैठे हो, बोलो तुम्हें कौन सा भगवान माफ करेगा। पहले भगवान का इतिहास पढ़िए। भगवान राम ने अपने पिता को नहीं माफ किया, दूसरी घटना ब्राह्मण विद्वान ब्राह्मण को नहीं माफ किया। उसका अपराध क्या था, उसने उनकी स्त्री का अपहरण किया था। नारी अपहरण की सजा भगवान कभी माफ नहीं करता। देखो और तुम्हारे यहां इतिहास ही बना हुआ है, एक नारी सीता के अपहरण पर कितना भारी राम रावण संग्राम हो गया, कितने लखों जाने चली गई। द्वापर में एक नारी द्रौपदी को बड़ी सभा में नंगा किया जाने का प्रयास किया गया, कितना भारी महाभारत होगा, अरबों खरबों जाने चली गई। प्रेमी अगर वो व्यवस्था आज लागू करती जाए तो आज समय का कितना भारी राम रावण संग्राम होगा, क्योंकि कितनी बहु बेटियों का अपहरण हो रहा है, कितनी नारियों को नंगा किया जा रहा है। समय का कितना भारी महाभारत होगा और समय का कितना बड़ा राम रावण संग्राम होगा। कभी आपने अपनी मनोबुद्धि से बैठकर ये विचार किया है
कि आज का युग का कितना भारी संग्राम होगा। कुछ नहीं करते उसे बैठे रहते, ना पिछड़ा इतिहास ना वर्तमान में महापुरुष की करनी, कुछ भी आपके समझ नहीं आया। ना भूत को जाना ना वर्तमान में इनकी माना, इसलिए हमारा आपका भविष्य अंधकार में खड़ा हो गया, अब इसे प्रकाश में कौन ले आएगा। और तीसरी घटना है कुंभकर्ण का वक्त। भगवान राम ने कुंभकर्ण को क्यों मारा, जबकि रामचरित मानस प्रशंसा करती कुंभकर्ण समी बलवंता का, कुंभकर्ण के समान कोई धरती पर बलवान नहीं है, फिर भगवान ने उसका वध क्यों किया। केवल तो काम शराब पीता था मौस, इस अशुद्ध खान पान के कारण भगवान राम ने कुंभकर्ण का वध कर दिया। आप कुंभकर्ण के इतिहास को समझो, क्या भगवान की इस विनाशकारी लीला पर कभी विचार किया है, क्योंकि तुम सब शराबी को अभी हो। अगर भगवान राम का आज क्या मुंह लगा दिया जाए, समाज परिवार में रहने वाले तुम कितने लोग बचोगे, सब शराब को अभी हो। अपने कुंभकर्ण का कोई बद विचार नहीं किया, राम की लीला का कोई विचार नहीं किया। चौथी घटना है बाली का वध। सुग्रीव को मित्र बना करके फिर बाली को संभाला क्यों, एक भाई को मित्र बनाने दूसरे का वध करते हैं। दर्शक सुग्रीव छोटा भाई था, बाली बड़ा भाई था। बड़ा भाई छोटे भाई की स्त्री को अपनी औरत बना के रखे, ये सामाजिक अपराध पारिवारिक दोष है, पाप है, जिसको भगवान राम ने माफ नहीं किया। ऐसे नहीं, कानून बना दिया, बगैर धारा के सजा नहीं सुनाई जाती। तो धारा क्या बना दी उन्होंने, क्या लिखा है कि अनुज बधु भगनी सुत नारी और सुन नीतियों सिद्धांतों का विरोध है। ये ऊजा पूजा पैर छूने वाला नहीं, अरे कागज पैर छूने से क्या देखे, पैर छूने में भी रहस्य है। ऐसे से ऐसा जो कुछ इसमें लिखा है इसमें आ गया, सब मेरे में उतारा भाई, मैं भी उस तरह बन जाऊं। मतलब इशारा तो ये था, लेकिन तुम कागज ही छूते नहीं। जो शिक्षा जो सिद्धांत नीतियां लिखी है वह तुम्हारे जीवन में उतर के नहीं आई, इसीलिए आप उसके बारे में कुछ नहीं जानते हो। कह रहे हैं अनुज बधु, अनुज माने छोटा भाई, बधु माने स्त्री, छोटे भाई की स्त्री भी सब कन्या के समान होती, और भगनी माने बहन, भगने सुतरारी, बहन के लड़के की स्त्री भी बहू के समान होती, और कुंवारी कन्या, ये चारों निजी कन्या के समान है। भगवान राम का कानून कहता अगर इनको कोई बुरी नजर से देखे या गंदी आदत से इनको चरित्र को खराब करने की कोशिश करे, ऐसे इंसान का अगर वध कर दिया जाए कोई पाप नहीं है। क्या ये कानून स्वीकार है, क्या तुम धारा कानून से बच सकते हो, तुम्हारी आंख नारी समाज पर पड़ते ही गंदी हो जाती है, क्या तुम बच सकते हो, क्या तुम काल भगवान की पूजा कर सकते हो। देखो राम की पूजा कितनी कठिन, कितनी कठिन, वो भी तुम्हारे बस की नहीं है। और दूसरा कानून क्या बनाया कि जननी साम जानव पर नारी और धन पर विष से भारी। दूसरी स्त्री को अपने माँ के समान जानो, दूसरे का धन जहर का जहर मानो, ये दोनों काम तुम्हारे बस के नहीं।
न तुम पराई नारी को मां मान सकते हो, न पराधन को जहर मान सकते हो। लिहाजा तुम राम की पूजा करने के अधिकारी नहीं, इसीलिए भगवान राम को कहना पड़ा। कलयुग के जीवों के लिए रामचित मानस में गोस्वामी जी महाराज ने उत्तरकांड में सब लिखा। उत्तरकांड का मतलब सारे प्रश्नों का उत्तर है, सारी समस्याओं का समाधान है। उन्होंने क्या लिखा है अगर ये पढ़ लेते हैं तो तुम्हारे में कोई गलती कोई भूल कोई बुरा खान पाए कोई बुरा कर्म कभी आ नहीं करते। भगवान राम के बारे में गोस्वामी महाराज ने क्या लिखा कि भगवान राम कहते हैं हमको कौन पाता है, ब्राह्मण पाता कि क्षत्रिय देते नहीं, मंदिर बनाने वाला गंगा नहाने वाला तीर्थ ब्राह्मण जप करने वाला कहते नहीं। क्या लिखा है कि निर्मल मन जन सो मोही पावे और मोह छल छी देह कपट नहीं भावे। भगवान राम ने क्या कहा हमको कौन पता न ब्राह्मण न क्षत्रिय बनता न कोई जाति वाला न धन वाला न बल वाला न रूप वाला न बुद्धि वाला, हमें कौन पाता जिसका मन निर्मल पाक्षा पवित्र। और तुम्हारे सबके मन गंदे तुम तो भगवान राम को नहीं पा सकते हो, यानी काल को नहीं पा सकते दयाल को पाना तो बहुत बड़ी बात है। तुम काल की पूजा करने के लायक अभी नहीं हो, तुम्हारा सबका मन गंदा है। भगवान राम ने और भी जानकारी दी है ऐ कलयुग के जीवो का मेरा वास किसके हृदय में होता है। गोस्वामी महाराज ने क्या लिखा कि जाति पाति धन धर्म बढ़ाई और कुल परिवार रे सुखद समुदाई इन्हें त्यागी भजे मन लाई और ताके भगवान राम का बस किसके हृदय में होता जाति पाति धन धर्म बढ़ाई कुल परिवार सुख समुदाय इन्हें त्यागी। जो इतनों का परित्याग कर देगा वो पाक्षात निर्मल पवित्र वाला मन मुझे पाएगा, मेरा बस उसके हृदय में होता। और तुम्हारे यहां सबसे कठिन जाति है तुम्हारा, जात पात की ख्वाहिश अभी नहीं अलग हो पाए कैसे पाओगे, जबकि भगवान खुदा ने न कोई जाति बनाई न कोई मजहब बनाया न धर्म बनाया न छोटा बड़ा गरीब अमीर बनाया न हिंदू मुसलमान सिख ईसाई बनाया न प्राधिकरण को बनाया। परमात्मा खुदा ने केवल इंसानी शक्ल बना दी, उस शक्ल को तुम हिंदू कह लो मुसलमान कह लो सिख ईसाई कह लो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य कह लो छोटा बड़ा गरीब अमीर पराधिकार पुरुष स्त्री पुरुष के लोग वो तुम्हारी मानसिकता है, लेकिन भगवान खुदा की तरफ से ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। इसलिए उसका नाम संघर्षी सर्वदर्शी सर्वहितैषी संघर्षी दूरदर्शी त्रिकाल पुरुषी ये संत महापुरुषों का नाम रखा गया। वो अभेद है कोई भेद नहीं है, किसी जात पाति का कोई फर्का नहीं संसार में होता। कभी सब जानकारी आपको रखनी चाहिए, जब काल भगवान की जानकारी आपने नहीं रखी तो दयाल भगवान की तो अभी 750 वर्षों से ही संत नाम सुनने को मिला आपको, इसके पहले संत नाम नहीं था न सत्यु न त्रेता न द्वापर साक्षात वेक्षा सात अठारह पुराणों में भी संतराम नहीं था। संतराम अभी कलयुग में जब से कबीर साहब आए तब से संतराम सुनने को मिला है और उन्हीं से संत बचा। इसके पहले काल मत था, तीन तीन युगों से सत्यु त्रेता द्वापर में
काली मथुरा तैयार मथा नहीं, इसलिए जीवात्माएं काल माया के देश में कर्मों के विधान में फंसी पड़ी नहीं निकल नहीं पाई। जब संत आए उन्होंने रास्ता बताया कि जीवात्मा ये तो काल माया का देश तेरा नहीं चाहिए, तो सत्यदेश की रहने वाली है। जब सत्यदेश अनामी धाम प्रभु धाम से जब कोई समृत महापुरुष भूमंडल पर आएगा और वो नाम को जगाएगा और नाम को सिद्ध करेगा, फिर वही नाम जो सतगुर इन जीवात्माओं को पकड़ाएगा और अपना नाम जहाज जब भरसागर में लगाएगा और जीवात्माओं को नाम जहाज पर बैठा कर उनके घर पर जाएगा, तब ये जीवात्मा अपने घर जा सकेगी। मंडल छूट पाएगा नहीं, काल के हिरासत से निकलना बड़ा मुश्किल है। जब ऋषि मुनि योगी महर्षि और कारी स्थितियां नहीं निकल पाई तो तुम्हारी क्या था कलयुग, कलयुग बहुत कमजोर है, बहुत गंदा है, वो भी विराजी, इसका निकलना तो बहुत मुश्किल है। इसी वजह से कमजोर जीवों पर दया करने के लिए सब कुछ तैयार आए और नाम की बरसात तेरा की बरसात किया, लेकिन तुम उस बरसात में कोई भी नहीं समझ पाए, तुम्हारी समझ में कुछ नहीं आया, जबकि बाबा जी ने कितने पहले इशारा किया था कहा बच्चा आगे बहुत खराब समय आ रहा है, मेरे उस संबंधों को संभाल के रखा। कहा था सूर्य पूर्व में निकलता और पश्चिम में डूबता है, यह सूरज पूर्व में निकलता पश्चिम में डूबता है। अगर यह प्रकट का नियम है, अगर प्रकट भी अपने नियम को बदल दे, सूरज बजा पूर्व से पश्चिम की तरफ निकलने लगे, तुम इसको मान लेना और ये जमीन आसमान की जगह चली जाए और आसमान उतर कर जमीन की जगह पर आ जाए, तुम इसको भी मान लेना। लेकिन बच्चा जो मैं मंच पर बैठ कर बोल दूंगा वो इधर उधर होने वाला नहीं है। मेरा तो क्या मंच का बोला पूरा अभी तो किसी वचन की शुरुआत नहीं हुई, किसी वादे की शुरुआत नहीं हुई और तुमने महापुरुष के जाने की शुरुआत कर दी, फिर ये कौन काम करेगा? ये जो सही से बाबा जी ने वादा किया कि मैं जीवात्मा को जगाऊंगा परमात्मा से मिलाऊंगा, अभी वो भी काम नहीं हुआ। शरीर का वादा है, मैं नया सुरक्षा रोजी रोटी की व्यवस्था बना के सब बदूंगा, महंगाई गरीबी बेरोजगारी को हटा दूंगा, बच्चे टैक्सों की भरमार को रोक दूंगा, मेरे पास ऐसी योजना भूम का भरोसा है, वो भी अभी कोई काम नहीं हुआ है। और तुम कहते हो काम करने वाला चला गया है, फिर इस काम को करेगा कौन? ये सब विचार करना चाहिए, क्योंकि सच्ची शांति सच्ची दया सतगुरु के चरणों में चरण और शरण, और तुमने चरण शरण छोड़कर जहां गए हो वहां चरण है कि पैर है? अरे पैरों की महिमा की चरणों की महिमा है। इतनी छोटी बात तुम्हारी समझ नहीं आई, जिस सतगुरु दयाल के चरण और शरण को छोड़कर जहां गए हो वहां चरण शरण में कुछ तुम्हारी समझ में नहीं आया कि पैरों की महिमा की चरणों की महिमा, चरणों से काम होगा कि पैरों से काम होगा, चरण शरण में सच्ची सुख शांति रहती कि पैरों में रहती, यह सब अगर जानकारी आपने रखी होती मैं भी और कोई गोल गरम नहीं था। सबको दरबार में सबका का समाधान किया जाता है, सरकारी पढ़ाई नहीं जाती, समाधान किया जाता है। और आप सतगुरु दरबार में जाकर उन्हीं में श्रद्धा कर बैठे, उन्हीं के बच्चों में वादों में श्रद्धा कर बैठे,
फिर तुम्हारा कल्याण काम होगा। इसलिए भगवान राम को कहना पड़ा, वैसे संतों की महिमा इसीलिए खोल के लिखी गई कि कलयुग का जीव कई संतों के बारे में गोल भर में न पहुंचे, कहीं संत का संदेह न चला जाए, इसलिए संतों की महिमा रखी गई है। संत वचन पलटत नहीं, पलट जात ब्रह्मांड, चाहे ब्रह्म अपनी ब्रह्मांड की रचना में तब्दीली बदलाव क्यों न कर दे, लेकिन संत जो कहेंगे वो तो करके दिखाएंगे। संतों की जबान दस्तावेज होती है, जिसको आप लोग यूनिवर्सल ट्रुथ अकाट सत्य कहते हो, कोई नहीं खा सकता। और क्या लिखा है, संत लेख में तुम्हारे मेटे हैं जो कौन जहा के जो ब्रह्मा ने कलम जला दी, हमारे आप ही पाप कर्मों की सजा लाभ देने की संत महापुरुष सेवा के द्वारा ब्रह्मा के कलम का लिखाक्षर जिसको भाग किस्मत कहते हैं उसको भी बदल देते हैं। ऐसी शक्ति सामर्थ्य लेकर इस मंत्रोग मंडल में हम सचिवों के वास्ते संत महापुरुष आते देखो किस तरह का काम है। और क्या लिखा है, संत दर्श जिन पातक करी, संतों के दर्शन मात्र से पापों का क्षय हो जाता। क्या कोई तुम्हें इंसानी शकल दर्शन देकर तुम्हारे पाप कर्मों में माफी दिला सकती है? अरे ये सब परीक्षण है, पहले आपको परीक्षण करना चाहिए तब किसी बात पर विश्वास करना चाहिए था। इसीलिए संतों की महिमा पहले खोल के रखी गई हो। और गोस्वामी जी महाराज ने कहा, भगवान राम ने भी संतों के बारे में क्या लिखा है, तुमने भगवान राम को भी झूठा बना दिया। कि भगवान राम ने क्या कहा कि हमारे बचन ने परिवर्तन के लिए आया, मैं देशी प्रदेशी परिवर्तन के लिए